चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 में एमएस धोनी की कप्तानी में अपने खोए सम्मान को वापस से हासिल करने की कोशिश करेगी। सीएसके का प्रदर्शन पिछले सीजन में काफी खराब रहा था और ये टीम पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। इस सीजन में चेन्नई की टीम कैसा प्रदर्शन कर पाएगी और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में कई पूर्व क्रिकेटर कई लोग कह चुके हैं। दरअसल कई पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि आईपीएल के 14वें सीजन में सीएसके के लिए एमएस धोनी, सुरेश रैना, अमित रायडू और जडेजा का फॉर्म चिंता का विषय होगा। आकाश ने कहा कि रैना, धोनी और रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या फिर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला ही नहीं है। वहीं जडेजा भी चोट की वजह से टीम से काफी वक्त से दूर है, यानी टॉप 7 खिलाड़ियों में से 4 की फॉर्म के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला ही नहीं है। कई दिग्गजों ने भी कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ और उत्तप्पा को भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि वो लय में है और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने प्रदर्शन भी अच्छा किया। फाफ डुप्लेसी भी सही है, लेकिन 4 खिलाड़ियों को बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अगर आपको 180 रन जैसे टारगेट को चेस करना है तो आपको शुरुआत से ही गेंद को हिट करना पड़ेगा और उनका ये मानना है कि यही बातें उनके खिलाफ जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि रैना टीम में एंट्री कर चुके हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। कई दिग्गजों का यह भी कहना है कि सीएसके के लिए सलाह तो यही होगी कि जडेजा को थोड़ा और ऊपर मौका दिया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए। अच्छी बात यह है कि रैना टीम में है और अगर वो चल निकले तो ये बात सीएसके के लिए अच्छी होगी। हालांकि रैना भी लंबे वक्त से नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में उनकी बल्लेबाजी किस तरीके से होगी ये कहना कठिन है। सीएसके को मुंबई में 5, दिल्ली में 4, बेंगलुरु में 3 जबकि कोलकाता में 2 लीग मैच खेलने हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।